एक साधु महाराज श्री रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान किया करते थे, फिर एक घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच में आते हैं? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा ही आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच में विराजमान होते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ भी राम कथा होती हो तो हनुमान जी वहाँ पर जरूर आते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं इसका कोई पक्का सबूत दीजिए, आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा सुनने आना छोड़ दो, लेकिन वकील नहीं माने, कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं कि यह बात और शतानों पर भी आप कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहूंगा, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और मैं फिर उस कल गद्दी यहाँ रखूँगा। कथा से पहले हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना, यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं, अगर नहीं कर पाए तो समझ लेना हनुमान जी हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, आप पराजित हो गए तो क्या करोगी? साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया, श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है, मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई, वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा उन्होंने तीन बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गई। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुँच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।